अच्छा देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को हंसाना ना सबसे मुश्किल काम होता है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियंस की लाइफ में क्या चल रहा होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बावजूद इनके चेहरे पर एक शिकंज नहीं आती, लोगों को हंसाने में लगे रहते हैं। अब सिद्धार्थ सागर की ही कहानी ले लीजिए। जी हाँ, लाइफ में इतना कुछ चल रहा है जो आज ये आपके और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दो तीन बार झगड़े बहुत मेजर हुए हैं हमारे घर पर। वो बहुत हाथ उठाने लग गया था। शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेरे को अच्छी तरह तोड़ने की ताकत वो क्षमता है सुबुही में। पंच किए हैं, बाल खींचे हैं मेरे, मेरे पास पिक्चर्स हैं, पूरे घर की वीडियो है जब वो मार के गए थे चीजें तोड़कर। मुझे एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए थे, ये मेरे पास नहीं है फोटोग्राफ्स, लेकिन मेरे पास चोट आज भी है। सिद्धार्थ सागर जिसने साल भर पहले अपने ही माँ पापा के खिलाफ आवाज उठाई थी, सिद्धार्थ ने अपने पेरेंट्स पर खूब सारे इल्जाम लगाए थे। अभी एक साल बीता और सिद्धार्थ ने अपनी गर्लफ्रेंड शुभवी के साथ सगाई कर ली। अभी इनकी सगाई को कुछ महीने हुए ही थे कि इनके ब्रेकअप की खबर आ गई। जी हाँ, सिद्धार्थ सागर और शुभवी जोशी दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ लिया, जिसकी वजह बताई गई आपस में मारा पीटी। शुभवी ने उन पर इल्जाम लगाया कि सिद्धार्थ अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके चलते वो अपना आपा खो बैठते हैं, और कितनी बार तो उन्होंने शुभवी को मारा भी है। जब झगड़ा होता था ना, चिखम चिल्ली हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ झगड़े में, वो भी करता था, विच इज ओके। लेकिन वो बहुत हाथ उठाने लग गया था एंड के टाइम तक तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जो इंटरव्यू भी दिया है उसमें भी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस ही बोला है। अब शुभवी के इन इल्जामों के बारे में इस सिद्धार्थ का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। मैं अपना बड़ा, वैसे मुझे दुख भी हुआ जब मैंने ये सब सुना, क्योंकि हमारा ब्रेकअप को 3 महीने हो चुके थे। जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, मुझे लगता है कि वो फोटोग्राफ्स जो खींच के रखे हैं, इतना आपको दुख था, आपको इतनी तकलीफ थी, आप 2 महीने तक कहाँ थे, आपने 2 महीने तक एलिगेशंस क्यों नहीं लगाए। 2-3 बार झगड़े बहुत मेजर हुए हैं हमारे घर पर, और उन झगड़ों में इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करना, इट्स नॉट ईजी। शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेरे को अच्छी तरह तोड़ने की ताकत वो क्षमता है सुबुही में। पहली बार जब ये पुलिस स्टेशन मुझे लेकर गई, तो वहाँ पे सीन ये हुआ कि रात को उसी बात का झगड़ा था कि मैंने कहा मैं साथ नहीं रहूँगा, और इन्होंने कहा कि साथ तो तुझे रहना ही पड़ेगा चाहे लाश बन के रहे। अब मेरी आदत है कि अगर लड़ाई हो रही है या तो मैं उस जगह से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस जगह पर वो और ही क्रिएट हो चुका है कि यहाँ पर लड़ाई होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, तो वो जाने तो मैं नहीं दूंगी। उसमें उन्होंने पहले मेरी नाक पे जब मारा, तो मैं, मेरी नाक से वो ब्लीडिंग हुई है, मेरी पूरी शर्ट, मेरी पूरी जो शॉर्ट्स मैंने पहने थे उसके ऊपर वो गिरे हुए थे। और जब मेरे वो हुआ, इन्होंने गर्दन से ऐसे पकड़ा। अब उसके बीच में इनको शायद और कहीं सेल्फी लेने का टाइम नहीं मिला, चोट का और भी कहीं लगी होगी, पर मैम जिस तरीके से मैं छटपटा के भागा हूँ घर से, तो मैं नीचे गया, एक टी शर्ट खरीदी, वापस आया, जब तक तो नीचे उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस आई, पुलिस से बातचीत, पुलिस को सब समझ में आता है मैम। अब वो दोनों अभी कहती हैं कि मैंने इनको मारा। मैम मैं एविडेंस पे बात करता हूँ, क्योंकि एलिगेशंस तो ये कुछ भी बोल सकती है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो मारा ही नहीं, ये मुझे मारती थी, मैंने अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ धक्का दिया था। तो आई वुड लाइक टू शो यू सम पिक्चर्स, जिससे शायद कोई भी इंसान ये बताएगा कि ये धक्के की मार तो नहीं है। तो मैंने बस टाइम नहीं था फोटो खींचने का। मेरी गलतियाँ क्या है कि मैंने कभी भी, जब लड़ाई हुई तो मैं कभी हॉस्पिटल चला गया या मैंने मेडिसिन ले ली, मुझे सेल्फी खींचनी चाहिए थी, मुझे उसको इन कैश कर, मुझे एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए थे। ये मेरे पास नहीं है फोटोग्राफ्स, लेकिन मेरे पास चोट आज भी है, ये मेरा स्कार है जो कांच लगने से फट गया था हाथ। अब दोनों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही जा रहा है, इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है
अब कौन सही है कौन गलत इसका फैसला तो ये दोनों खुद ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज इनका रिश्ता टूट चुका है। झगड़ों की बहुत बड़ी वजह तो एक थी ही कि मैं काम ही नहीं कर रहा था सुबुई के साथ, क्योंकि मैं मुझे मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहा हूँ काम के मामले में मुझे सुबुई के साथ स्पेशली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं और ये गेम प्लेयर रही है वो स्प्लिट्सविला की क्वीन रही है। आप जिनको दर्शकों को नहीं मालूम है और जो ऐसा समझ रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार स्प्लिट्सविला टाइप करें सुबुई जोशी स्प्लिट्सविला यूट्यूब पर, आपको उनका सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैम मैं उसका पहला रिलेशनशिप नहीं हूँ, मैं उसका सातवां या छठा होऊंगा, उसके जितने रिलेशनशिप्स हैं वो सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अभी जो झगड़ा हुआ है तो पेरेंट्स से तो वो बिल्कुल टच में नहीं है, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये चीज़ें पता है कि वो ऐसे सब करता था, उन्होंने आकर देखी थी घर पे जब ये लास्ट सीन हुआ है, बट उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं करा, दे आर स्टिल विद हिम सपोर्टिंग हिम, तो उसकी तरफ से तो कोई नहीं है, ना फैमिली ना कोई, मैं अकेले ही थी यहाँ पे। मेरी पेरेंट्स से तो बात हुए बहुत टाइम हो गया और उन्होंने भी आर्टिकल निकाल दिया था कि हमारा कोई बेटा नहीं है, और उसके बाद से कभी कोई बात भी नहीं हुई और मैंने भी कभी छेड़ा नहीं। सिद्धार्थ के पास अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, ना ही उनके पास उनके मम्मी पापा हैं और ना ही मंगेतर। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।